वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट को पीएम नरेंद्र मोदी ने उम्मीदों का बजट बताया। उन्होंने कहा है कि यह गरीब, किसान और मध्यम वर्ग सभी की उम्मीदों को पूरा करने वाला है। परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल से कड़ी मेहनत कर कुछ ना कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। उन्होंने कहा है कि लोहार, सुनार, मूर्तिकार बहुत लंबी लिस्ट है। इन सभी की मेहनत से देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लेकर आया। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। गांव में रहने वाली महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए बीते सालों में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। जल जीवन, पीएम आवास योजना और ऐसे अनेक कदम हैं। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सामर्थ्यवान क्षेत्र है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवे, हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा।